पौड़ी जिले में सब्जी और फल के उत्पादन को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए अब उद्यान विभाग जिले के अलग अलग क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज बनाने जा रहा है। दरअसल लंबे समय से ही जिले में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे काश्तकार कोल्ड स्टोरेज की मांग उठाते आए हैं, जिसके चलते अब पौड़ी शहर और थलीसेण के भरसार में उद्यान विभाग कोल्ड स्टोरेज बनाने जा रहा है, जहाँ कई टन फल और सब्जी को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकेगा। साथ ही इसका फायदा किसानों को होगा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। कोल्ड स्टोरेज का हमारे एक छोटे से कोल्ड स्टोरेज है जो ओडी में बन रहा है। हालांकि वो काफी छोटा है और नाबार्ड से उसमें करीब 29 लाख रुपए और प्राप्त होने हैं, तो उसको प्राप्त होने के बाद वो कोल्ड स्टोरेज का काम पूरा हो जाएगा। और बड़ा कोल्ड स्टोरेज का बरसाड़ी यूनिवर्सिटी में हम लोग साइट सिलेक्शन कर चुके हैं और शीघ्र ही वहाँ पर बजट का प्रावधान रखते हुए वो भी काम शुरू किया जाएगा। ग्रामीणों को कोल्ड स्टोरेज के लिए यदि हरसाण में हमारा कोल्ड स्टोरेज बन जाता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर न्यूनतम दर पर ग्रामीणों को वहाँ पर जो उत्पाद है, आलू है, माल्टा है, सेब है, ग्रेडिंग पैकिंग करते हुए और उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाएगा। और जब अच्छे दाम मार्केट में होगा तब ग्रामीण जो वहाँ से अपना उत्पाद ले जाकर ओपन मार्केट में बेच सकते हैं।